जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट का जो वर्जन अभी चल रहा है राइट नाउ उसका नाम ES6 है, ठीक है। और इसका नाम पहले हुआ करता था जावास्क्रिप्ट, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ कि इसको सू कर दिया सन माइक्रो सिस्टम वालों ने। उन्होंने बोला भाई ये तो हमारा नाम है, ये आपने अपने बच्चे का क्यों रख लिया। होता है ना, पहले ज़माने में औरतें आ जाती थी घर पर कि आपने अपने बच्चे का, मेरा छोटा वाला भाई है ना, उसका जो उसका नाम है हम्माद, तो उसका नाम जो हम्माद रखा वो पड़ोसन दी गई, वो आ गई कि ये तो मेरे बच्चे का नाम है, ये आपने कैसे रख लिया। तो जावा वाले भी ऐसे ही उड़ते हुए आ गए, उन्होंने बोला भाई ये तो मेरे बच्चे का नाम था जावा स्क्रिप्ट, हमारे पास पेटेंट है इसका, तो आप निकलो इधर से, या तो पैसे दो या तो चेंज करो नाम। तो इन्होंने बोला यार हम नाम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट थे उस वक्त तक, अभी भी शायद नॉन प्रॉफिट ही हैं। तो इन्होंने रखा एक्मा स्क्रिप्ट नाम, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम एक्मा था। तो और वर्जन ES6 पहले चलता था 5, आज से अगर 3-4 साल पहले आप पढ़ते जावास्क्रिप्ट तो वर्जन 5 था, अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो ES6 है, और मॉड्यूल JS जो है वो सबसे लेटेस्ट है अभी इसका, तो हम वो वाला पढ़ेंगे सारा, ठीक है। मॉड्यूल JS ये, उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह वाले सारे सिंटैक्स जो न्यू हैं, जो सिर्फ सर्वर वाले कोड पे लगा करते थे या सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट में लगा करते थे, वो टाइप स्क्रिप्ट वाली ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अब ये मॉड्यूल JS में हो जाती हैं। क्लास का कीवर्ड और ये जो इनहेरिटेंस वगैरह XYZ, हाँ ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के वो डेटा की टाइप डिफाइन नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि वो टाइप स्क्रिप्ट में डेटा की टाइप डिफाइन हो जाती है ना, फिर उसमें कुछ और जाता नहीं है, तो बस वो चीज़ नहीं है, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें ऑलमोस्ट इसमें आ गई हैं, ठीक है। तो अब जल्दी से हम क्या करते हैं, एक index.html का एक पेज बना लेते हैं और जावास्क्रिप्ट का हम हेलो वर्ल्ड कर लेते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का हेलो वर्ल्ड हम कैसे करेंगे, हम ये बेसिक HTML हमने बना ली, और याद रखें हमेशा ECMAScript 6 जो है वो ब्राउज़र के साथ चलेगी, और ब्राउज़र के बगैर भी इसको हम चलाएंगे इंशाल्लाह। तो पहले मैं आपको ब्राउज़र के साथ जो ये चलती है वो बता देता हूँ, ठीक है, उसके बाद जो ब्राउज़र के बगैर है वो बता देता हूँ। अच्छा भाई, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जहाँ पे बॉडी ख़त्म हो रही होती है ना, बॉडी से पहले स्क्रिप्ट का टैग एक लगाना होगा आपको, ठीक है। बॉडी के साथ स्क्रिप्ट का आपने टैग लगा दिया, और स्क्रिप्ट के टैग के अंदर जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड होगा वो यहाँ पे लिखेंगे आप। अच्छा, इस स्क्रिप्ट के टैग को अगर मैं, ज़रूरी नहीं है बॉडी के मैं लास्ट में लगाऊँ, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि बॉडी के अंदर सबसे आखिरी चीज़ आपकी ये स्क्रिप्ट होनी चाहिए। इसको मैं शुरू में भी लगा दूंगा तो चलेगा, लेकिन कुछ केसेस में ना प्रॉब्लम कर जाएगा, तो रेकमेंडेड ये है कि भाई लास्ट में लगाओ। अच्छा, यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, जावास्क्रिप्ट का एक सबसे पहला कोड जो कि अलर्ट है, ठीक है, और अलर्ट के अंदर मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया या कोई भी टेक्स्ट लिख दिया, स्ट्रिंग लिखा है एक्चुअली मैंने ये, और ये जब कोड रन होगा, ये लाइन जब रन होगी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इंपैरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, इम्पेरेटिव पैराडाइम कहते हैं कि जी हर लाइन एक अलग स्टेटमेंट होगी, हर लाइन एक कंप्लीट बात होगी, सेमी कॉलन से वो एंड हो रही होगी, और अगली लाइन जो उसका पिछली लाइन से कोई ताल्लुक नहीं होगा, ठीक है। तो जब ये वाली लाइन रन होगी तो क्या चलेगा जी, अलर्ट का कीवर्ड देखेगा वो, और अलर्ट का कीवर्ड के बाद मेरे पास पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज, इसको कहते हैं कॉल सिग्नेचर, और उसके अंदर ये स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार कोर्स में लिखा हुआ था कि जावास्क्रिप्ट तो रिक्वायर्ड है, तो सर जावास्क्रिप्ट क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है जी। तो मैं आप सब लोगों को ये बताता चलूँ कि जिनको भी आप में से लगता है ना कि यार उनको जावास्क्रिप्ट आती है, उनको असल में जावास्क्रिप्ट नहीं आती है, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस के उसने मुझसे ही पढ़ाओ, जैसे कि शहजाद है उसने मुझसे जावास्क्रिप्ट पढ़ी है। तो जी ग्रुप में ऐड नहीं हुए मैम, नहीं मैं तो कह रहा हूँ कि वो CR है उससे करवा लें, कौन है CR भाई, तुम हो ना यार, उसको ऐड कर देना तुम ग्रुप में, ठीक है, उसको बोले क्लास के बाद मिल जाए, क्लास के बाद उससे भाई, क्लास के बाद अभी नहीं, उनसे आप कहें कि क्लास के बाद इससे मिलें आप, ठीक है, क्लास के बाद यार उससे मिल लेना, ज़रा उसको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, दैट्स इट, अभी नहीं भाई, अभी तो जाओ, क्लास के बाद इनसे मिलना, क्लास के बाद, ठीक है जी। तो जिनको लगता है ना कि जावास्क्रिप्ट उनको आती है, तो असल में उनको आती नहीं होती है, मसला ये है, तो इस वजह से थोड़ी सी पढ़ानी पड़ती है, लेकिन ब्रीफली हम जल्दी जल्दी इसको पढ़ेंगे। अच्छा, अब ये मेरा ये स्क्रिप्ट का टैग लग गया, अब यहाँ पे मैंने इस वक्त एक लाइन का कोड लिखा है, इसमें मैं 1000 लाइन का भी कोड लिख सकता हूँ, कोई लिमिट नहीं है। और अब मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके इसका कॉपी पाथ कर लेता हूँ, और इसको एक ब्राउज़र के टैब में आके
रन कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही वो कोड रन हुआ, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया। अच्छा, इस स्क्रिप्ट के इसको हम टैग में भी लिख सकते हैं, जैसे स्टाइल हमने देखा था। स्टाइलिंग में क्या करते हैं, हम स्टाइल का टैग भी लगा सकते हैं और इसकी अलग से फाइल भी बना सकते हैं। तो इसकी अलग से फाइल ज़रा देख लेते हैं कि जी कैसे बनेगी, ठीक है। अभी हाँ, मैंने इसको कहा कि ऐप डॉट जे एस, ठीक है, ऐप डॉट जे एस कह दिया। और यहाँ पे मैंने वही अलर्ट लिख दिया और मैंने यहाँ पे कह दिया कि जी ये एक्सटर्नल फाइल लिख दिया मैंने, ठीक है। ये एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट भी इसको आप कह सकते हैं। और अब मैंने क्या करना है, अब मैं टैग करके नहीं लिखूंगा इसे, अब मैं इसको लिखूंगा स्क्रिप्ट के टैग से। और स्क्रिप्ट का टैग लगा के मैं इसको SRC दूंगा, और SRC डॉट स्लैश लगाना ज़रूरी है। सिर्फ स्लैश लगाओगे गड़बड़ करेगा वो, अभी तो चल जाएगा PC में लेकिन क्लाउड पर जाने के बाद मस्ती करेगा। और ये ऐप डॉट जे एस, इसको मैंने बता दिया कि जी ये स्क्रिप्ट तो है लेकिन इसका जो सोर्स है वो ये फाइल है, यहाँ से उठा लो जाके। और सेम कोड दोनों में लिखेंगे हम, कोई इसमें फ़र्क नहीं है कोड में ना, जावास्क्रिप्ट जो आप यहाँ लिख रहे हैं या वहाँ लिख रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आके उसको मैं रन करूँगा तो स्टिल देखें एक्सटर्नल फाइल ही अलर्ट में लिखा हुआ आ गया, तो इसका मतलब है ये सही चल गई मेरी जावास्क्रिप्ट। अच्छा, अब ये जो तरीका था ना, हमें इससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाना है। हमें क्या स्टेप आगे जाना है, हमें इसकी फाइल का जो नाम है ना वो बनाना है MJS, ठीक है। MJS जो है वो ये नया वाला मंजन है जावास्क्रिप्ट में, जिसको हम कहते हैं मॉड्यूल JS। तो ये हम वो वाला काम कर रहे हैं। अच्छा, जब ये इसको MJS कर देंगे हम, तो फिर यहाँ पे भी MJS लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम MJS करके चलाएंगे, हम सिर्फ JS वाला नहीं चलाएंगे, क्योंकि सिर्फ JS करने से ना जो नए वाले कुछ फीचर हैं वो नहीं अवेलेबल होते। अच्छा, इसको देखो मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये बिल्कुल सेम उसी तरह चला है, लेकिन अब जहाँ जहाँ पर वो नया वाला कोड होगा ना, वहाँ वहाँ पर मैं मेंशन करता जाऊँगा कि यार ये वाला कोड ना सिर्फ MJS में ही चलेगा, सिर्फ जावास्क्रिप्ट वाले में ये नहीं चलेगा। अच्छा, अब अगर आप, एक तो ये फाइल में हो गया ना, अगर ये स्क्रिप्ट के टैग में ये करना हो आपने, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे टाइप, ठीक है, मॉड्यूल, ठीक है। अच्छा, टाइप मॉड्यूल इसमें भी लिख सकते हैं वैसे, लेकिन इसमें अगर फाइल MJS हो तो खुद ही समझ जाता है, ठीक है। टाइप मॉड्यूल आप इसमें भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें क्योंकि फाइल का नाम मैंने MJS रखा है तो इससे उसको ऑटोमेटिकली समझ में ये बात आ जाती है, ठीक है। तो टाइप मॉड्यूल मैंने लगा दिया इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कुछ ज़रा VS कोड वालों ने भी मंजन किया हुआ है कि जी ये मॉड्यूल क्या होता है, फॉर HTML5 कंप्लाइंट ब्राउजर्स द कोड ट्रीटेड एज जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल, द प्रोसेसिंग ऑफ द स्क्रिप्ट कॉन्टेंट इज नॉट अफेक्टेड बाई चार सेट एंड डेफर एट्रीब्यूट, फॉर इन्फॉर्मेशन यूजिंग मॉड्यूल ES6 इन डेप्थ करके जो है ना, ये इसने एक लिंक दिया है यहाँ पे कि जी अगर आपने इसको डिटेल में पढ़ना हो तो ES6 की जो है ना मॉड्यूल पे ये आर्टिकल किसी ने लिखा है, 2015 में लिखा है ये किसी ने, ठीक है। तो इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं भाई, बिल्कुल, ठीक है। देखो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इसमें ये कह रहा है कि इस तरह चलेगा। वेल, ठीक है, ये इस तरह वाले जो सिंटैक्स थे ना, ये नॉर्मली नहीं होते उसके अंदर, इम्पोर्ट एज, एक्सपोर्ट एज, ठीक है। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट उसके अंदर जो हम करते थे वो ये देखो इम्पोर्ट वाला सिंटैक्स इसमें चलेगा, अदरवाइज वो जो नॉर्मल वाला होता है उसमें ब्राउजर के अंदर इम्पोर्ट का सिंटैक्स नहीं चलता, इसमें ब्राउजर में भी इम्पोर्ट का सिंटैक्स चलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया जी हमारा, क्या भला ये हो गई हमारी जावास्क्रिप्ट, हमारी कौन सी वाली जो ब्राउज़र के साथ मिलके चलेगी। अच्छा, कौन मुझे बताएगा कि जावास्क्रिप्ट जो ब्राउज़र के अंदर चलती है और जो सर्वर के अंदर चलती है, उन दोनों के नाम कौन बता पाएगा मुझे जी? नहीं, नॉट जेएस भी नहीं, जो ब्राउज़र पे चलने वाली जावास्क्रिप्ट है उसका क्या नाम है, और जो सर्वर पे चलने वाली जावास्क्रिप्ट है उसका क्या नाम है, इन दोनों के नाम है जी। हाँ, बात तो इसने करीब करीब कर दी है। हाँ भाई, और कोई? अच्छा, अब समझो चक्कर क्या हुआ, इसकी स्टोरी समझ लो। स्टोरी ये थी भाई कि जावास्क्रिप्ट जब शुरू शुरू में आई ना, तो वो थी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का दर्जा उसको हासिल उस वक्त नहीं था, ठीक है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ़र्क क्या होता है, वो ये होता है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज किसी खास पर्पस के लिए बनाई जाती है। जैसे एक्सेल के अंदर जो हम लिखते हैं ना, फार्मूला लगाते हैं, वो एक लैंग्वेज है ना पूरी, बट दैट इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, उसके एक ख़ास काम के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है।
तो वही काम होता है, उससे और कोई दूसरा काम नहीं हो सकता, ठीक है? वो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है वो। अच्छा, तो जब ये आई थी तो उस वक्त वेबसाइट पे ना थोड़ी एनिमेशन वगैरह हो जाए, जगमग तारा हो जाए, कुछ ऊपर नीचे हिल डुल हो जाए, उन चीज़ों के लिए उसको बनाया गया था स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के तौर पे, कि जी वो एक है वो तो जो ऐसे मार्की करने लग जाए एक टेक्स्ट, या एक टेक्स्ट जो है ना वो उसके पीछे शेडो वेडो आ जाए, इस तरह की चीज़ें, कि जी हॉवर करने पर ना वो ऐसे थोड़ा बाहर निकल के एम्बोज हो जाए। अब तो वो ज़्यादातर काम अब तो CSS में कर दिए उन्होंने, CSS3 एनिमेशंस के अंदर वो सारे ट्रांसफ़र कर दिए। पहले ये सारे काम जावास्क्रिप्ट से होते थे, तो वो इस पर्पस के लिए बनी थी। किसी ने ये बात सोची नहीं थी कि एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जावास्क्रिप्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन जाएगी। अच्छा, उस वक्त फ्लैश करके एक चीज़ हुआ करती थी, उसमें वेबसाइट्स बनती थी, और ये वाले सारे काम ना जो आज हम जावास्क्रिप्ट से करते हैं, उस वक्त ये काम फ्लैश से होते थे। पूरे पूरे गेम बनते थे जो ब्राउज़र में खुलते थे, और उसके लिए फ्लैश प्लेयर का एक प्लगइन होता था, वो ब्राउज़र में इंस्टॉल होना ज़रूरी होता था। इवन दो के जो वीडियोज़ चलती थी ब्राउज़र में, वो भी क्या होता था, वो फ्लैश वीडियोज़ होती थी, ठीक है? वो फ्लैश फॉर्मेट में होती थी, शायद SWF करके उसका कुछ फॉर्मेट होता था। तो वो फ्लैश वीडियोज़ होती थी, जब तक आपके ब्राउज़र में फ्लैश प्लेयर का प्लगइन नहीं होता इंस्टॉल, जब तक वो चलती नहीं थी आपके पास। वो कहता था यार प्लगइन पहले आप इंस्टॉल करें, तो आप प्लगइन इंस्टॉल करते थे, फिर वो रन होती थी। अच्छा, तो वो लोगों को लगता था कि यार फ्लैश जो है वो बहुत फेमस है और फ्लैश ही चलेगी, जावास्क्रिप्ट ख़त्म हो जाएगी एक पॉइंट पे आगे, ये सारे काम फ्लैश से होंगे। लेकिन अपोजिट हो गया, फ्लैश ख़त्म हो गई और जावास्क्रिप्ट जो है वो ऊपर आ गई। फ्लैश के ख़त्म होने का जो रीज़न था वो ये था कि बहुत हैवी थी वो, और दूसरा कि उसकी सपोर्ट कोई भी देने को तैयार नहीं था, उसमें कुछ डिज़ाइन लेवल के प्रॉब्लम थे, जिसकी वजह से एप्पल ने भी सपोर्ट देने से इनकार कर दिया था उसको, ठीक है? तो जिस दिन एप्पल ने सपोर्ट देने से इनकार किया, उस दिन उनकी वो आखिरी कील ठुक गया उनका, तो फिर सब ने आहिस्ता आहिस्ता उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, ठीक है? यूट्यूब वगैरह ये सब फिर HTML5 के ऊपर आ गया जब। तो जावास्क्रिप्ट जो थी वो लाइट वेट थी उस ज़माने में भी, और क्या कहते हैं, एक मसला था लेकिन इसके अंदर, यानी जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनने में और इसके दरमियान का जो सफ़र था, उसमें हर ब्राउज़र की अपनी स्क्रिप्टिंग थी। जैसे आप देखें, एक है एक्सेल शीट, एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट का एक है, उसका जो अंदर फॉर्मूला लगाने वाला जो चक्कर है वो, और जो गूगल शीट का जो है वो क्या अलग है? वो सेम है, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें अलग हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ गूगल शीट में होती हैं, इसमें नहीं होती, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट में होती हैं, उसमें नहीं होती, ठीक है? मिसाल के तौर पर, क्योंकि ये चलता लोकल फाइल में, तो लोकल ड्राइव वाइव से दूसरी ड्राइव से कुछ उठाना है तो पाथ वाथ लगा के हो जाता है। अब वो है ऑनलाइन, तो अगर गूगल ड्राइव पे पड़ी हुई कोई दूसरी फाइल है उससे कोई कम्युनिकेशन करनी है तो उसमें हो जाती है। गूगल की किसी सर्विस से कम्युनिकेट कराना, तो उसके लिए उन्होंने चीज़ें ऐड की हैं जो एक्सेल वाले पे नहीं चलती, ठीक है? तो थोड़ी थोड़ी अलग है। तो जावास्क्रिप्ट तो आज भी थोड़ी थोड़ी अलग है हर ब्राउज़र के लिए, इतना फ़र्क तो आज भी है, लेकिन उस वक्त जब ये बनी थी ना जावास्क्रिप्ट, तो हर ब्राउज़र के लिए अपना ही कोड था। मिसाल के तौर पर मोज़िला वाले आए, फायरफॉक्स वाले, उन्होंने बोला कि यार हमारे पास ना, आप लिखेंगे ना जगमग डॉट डू, तो उससे ना वो जगमग तारा बन जाएगा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है? अच्छा, फिर जो नेटस्केप वाला एक दूसरा ब्राउज़र है, वो कह रहा है यार ये जगमग तारा क्या किया हुआ है इन्होंने, ये ऐसे ये क्या हो रहा है, ये नॉन ये मतलब खेल थोड़ी चल रहा है, ये सीरियस बात है। उसने बोला यार हम देंगे ड्रॉप शैडो देंगे हम, उन्होंने वो नहीं दिया हुआ। तो इस पर ये सेलिंग पॉइंट होता था इनका, वो कहता था यार हमने ये दिया हुआ, उसने नहीं दिया हुआ, फिर वो थोड़े दिनों में वो भी दे देता था, फिर ये उसका वो अपने हिसाब से कुछ और कोड लिखता था, काम सेम हो रहा है, कोड वो अपने हिसाब से लिखता था कुछ और। तो जावास्क्रिप्ट बिल्कुल अलग अलग थी सब लोगों की। तो फिर क्या हुआ कि जी वो जब जावास्क्रिप्ट पॉपुलर होना शुरू हो गई लाइट वेट होने की वजह से, तो फिर ये ऑर्गेनाइजेशन आई, इसने कहा कि यार आप सब लोग एक पेज पर आएँ, सब अपना अपना कोड सामने रखें और इसको स्टैंडर्डाइज करें, और फिर जावास्क्रिप्ट का जो पहला स्टैंडर्ड वर्जन है वो बनाया गया, ठीक है जी? तो और उसके बाद क्या हुआ कि फिर गूगल ने भी, जब जावास्क्रिप्ट की पॉपुलैरिटी बढ़ गई जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनने के बाद, तो गूगल ने क्या किया, इसका जो इंजन है, जो ब्राउज़र के अंदर जाहिर है एक इंजन होता है जिस पर ये एग्जीक्यूट होती है, उस इंजन को फ्रॉम स्क्रैच दोबारा से लिखा, क्योंकि पहले का तो इंजन लिखा हुआ था स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के हिसाब से, तो इसको दोबारा से इस इंजन को लिखा और इसको एफिशिएंसी पे इसके काम किया, जहाँ पे कुछ गड़बड़ थी वो उसको ख़त्म की, ताकि जो है ना इसकी स्पीड को बढ़ाया जा सके, और इसकी स्पीड उन्होंने बहुत बेहतर कर दी। V8 नाम रखा उस इंजन का, और अभी भी वो मौजूद है। अच्छा, फिर इन सब ने बारी बारी ये काम किया, जावास्क्रिप्ट जिस इंजन पे एग्जीक्यूट होता है उसको दोबारा से रीराइट किया। जैसे कि मोज़िला फायरफॉक्स वालों के पास जो इंजन है उसका नाम है स्पाइडर मंकी, उसको रीराइट उन्होंने भी किया कि यार दोबारा से लिखो इसको। माइक्रोसॉफ्ट के पास माइक्रोसॉफ्ट एज या माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर के पास एक था, वो चाकरा के नाम से था,
लेकिन अब उन्होंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, वो क्रोमियम पे ही आ गया, यानी गूगल क्रोम इंटरनली, वो यानी माइक्रोसॉफ्ट एज में इंटरनली गूगल क्रोम चलता है। अच्छा, फिर इसी तरीके से आपका जो ये हाँ सफारी जो है उसके अंदर जो इंजन चलता है उसको शायद वेब किट ये कहते हैं। तो ये इसके ना सारे सब लोगों ने रीराइट कर लिया, तो जावास्क्रिप्ट की स्पीड बहुत तेज़ हो गई। अच्छा, स्पीड तेज़ होने के बाद फिर आखिरी ये मसला जो था इसमें कि भाई ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, ये स्टेट ऑफ द आर्ट सिंटैक्स नहीं है। तो ES6 में उन्होंने वो मसले भी सारे हल कर दिए, यानी फंक्शन एरो फंक्शन उसमें ऐड कर दिया, लेट करके बनेगा जी वेरिएबल, वो सारे जो जदीद सिंटैक्स था ना, सिंटैटिक शुगर जितना भी था कि जी, सिंटैटिक शुगर क्या होता है कि लिखने वाले को कोड लिखने में अच्छा लगे और पढ़ने वाले को कोड पढ़ने में मज़ा आए, रीडेबिलिटी हो और सारा कुछ हो, स्पेस एफिशिएंट हो, ठीक है, कचरा ना हो जाए कोड, तो वो इंडेंटेशन वगैरह वो सारे जो है ना, कि जी कोड कितना अच्छा पढ़ा जा रहा है, कितना अच्छा लिखा जा रहा है, तो उन चीज़ों पे इन्होंने सारे पे काम किया। ES6 में वो सारे मसले हल कर दिए इन्होंने। अच्छा, तो ये एक ब्रीफ स्टोरी है जावास्क्रिप्ट की जो ब्राउज़र पे चलती है। अच्छा, अब क्या हुआ जब ये सब कुछ हो गया ना, और ES6 भी ऑलमोस्ट प्रपोजल वगैरह उसका हो गया था शायद उस वक्त तक 2009 में, तो कुछ बच्चे थे उन्होंने बोला कि यार ये जावास्क्रिप्ट जो जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये कौन सी जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सिर्फ ब्राउज़र में चलती है, ये कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जैसे अगर आपको मैं बोलूं कि यार जो एक्सेल के अंदर जो फार्मूला लगता है ना, वो तो स्क्रिप्टिंग है, तो चलो ठीक है वो एक्सेल के अंदर ही चलता है। अब मैं बोलूं कि नहीं यार ये जर्नल पर्पस लैंग्वेज है ये, तो फिर वो एक्सेल के अंदर उसका सेंस नहीं बनता, फिर उसका सेंस बनता है कि वो टर्मिनल पर चले, यानी कि डायरेक्ट मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट हो, जैसे जावा चलती है, जैसे C# चलती है, जैसे C++ चलती है। तो उन्होंने क्या किया उस इंजन को ना, क्योंकि गूगल ने जो V8 इंजन लिखा था उसको ओपन सोर्स रखा था, ठीक है, तो आप भी उसको उठा के अपना ब्राउज़र लिख सकते हैं। तो उन्होंने पूरा इंजन उठाया उसको, और उसके ऊपर ऑन द टॉप ऑफ दैट इंजन नॉट जेएस नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया कि जी जावास्क्रिप्ट क्या होगी, अब ब्राउज़र से बाहर भी रन होगी। अच्छा, तो जब ब्राउज़र से बाहर वो रन होगी ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ब्राउज़र में पॉसिबल नहीं होती, ब्राउज़र में उसकी ज़रूरत नहीं होती काइंड ऑफ। तो जब आप डायरेक्ट उसको टर्मिनल पे रन करते हो तो उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि फाइल ऑपरेशंस, कि जी ड्राइव पे फाइल को रीड करना है, ड्राइव से फाइल को राइट करना है ड्राइव के ऊपर, तो फिर उसके लिए परमिशंस चाहिए होती हैं, फिर अलग अलग तरह के वो फाइल सिस्टम्स हैं, मैक में अलग होता है, विंडोज़ में अलग होता है, फिर थर्ड पार्टी फाइल सिस्टम्स भी आ गए हैं इतने सारे, तो फाइल सिस्टम के ऊपर वो रीड राइट का ऑपरेशन, उससे परमिशन लेना, वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। फिर इसी तरीके से जब जाहिर है जब इंटरनेट कम्युनिकेशन होगी तो पोर्ट्स वगैरह का एक्सेस होना चाहिए उसमें, और क्या कहते हैं इसी तरीके से फिर आपका और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, कोई फाइल अगर आपको बाइट लेवल पर रीड करनी है इस तरह की, तो वो सारी चीज़ें जो है ना जाहिर है उसमें मौजूद नहीं थी जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो उन्होंने क्या किया कि उसका जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ नई फंक्शनैलिटीज़ को ऐड किया, ठीक है, जो नॉट जेएस के प्रोजेक्ट में वो नई फंक्शनैलिटीज़ को ऐड करके उन्होंने उसको नाम दे दिया कॉमन जेएस का। उन्होंने क्या उसको नाम दे दिया कॉमन जेएस। अच्छा, और ये वाली जो जावास्क्रिप्ट जो ब्राउज़र पे चलती है इसको इसका नाम पड़ गया AMD। तो एक AMD हो गया, एक हो गया कॉमन जेएस। अच्छा, फिर वो कॉमन जेएस में मज़ीद चेंजेस हुई तो उसका फिर उन्होंने नाम कर दिया मॉड्यूल जेएस, और फिर वो मॉड्यूल जेएस जो है वो, क्योंकि AMD की ब्रांच तो अलग ही चल रही है, लेकिन उस मॉड्यूल को इन्होंने भी अडॉप्ट कर लिया, तो अभी दोनों जगह पे मॉड्यूल जेएस ही चल रहा है फिलहाल के लिए, यानी ये जो हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, काफ़ी अरसे से मॉड्यूल जेएस हुआ हुआ था लॉन्च, लेकिन वो बीटा बीटा में चल रहा था, लेकिन अभी दोनों जगह पे ये स्टेबल हो गया। अच्छा, तो अब हम ज़रा ये AMD वाला तो हमने कर लिया है, AMD नहीं है तो ये भी मॉड्यूल, अब ज़रा इसको हम ना बग़ैर ब्राउज़र के ये कैसे चलेगा वो देख लेते हैं। हाँ, अच्छा, तो अब मैं इसको बोलूँगा, यहाँ पे एक नई फाइल बना लेता हूँ, ठीक है, जिसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, ऊप जावास्क्रिप्ट में नहीं चलती, और सपोर्टेड है लेकिन लोग चलाते नहीं हैं। अब वो जब इंशाल्लाह हम फंक्शन पढ़ेंगे तो, जब ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो फिर हम देखेंगे वो क्यों क्या चक्कर है। अच्छा, नॉट जे एस डॉट एम जे एस कर दिया मैंने, ये सही है, कोई भी नाम रख सकते हैं फ़र्क नहीं पड़ता, एम जे एस इस पर रखेंगे क्योंकि नई वाली हम चला रहे हैं जावास्क्रिप्ट। अच्छा, इसमें आके मैं क्या लिखूँगा, कॉन्सोल डॉट लॉग, ठीक है, दिस इज ES6 रनिंग इन
टर्मिनल, सही है। अच्छा कॉन्सोल डॉट लॉग मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि इसमें अलर्ट काम नहीं करता है। जहाँ उन्होंने कुछ फंक्शनैलिटी ऐड की है, कुछ रिमूव भी की है। क्यों रिमूव, क्योंकि भाई अलर्ट तो स्क्रीन है ही नहीं ना, टर्मिनल पे तो स्क्रीन नहीं होती, तो अलर्ट कहाँ दिखेगा। तो अलर्ट को दिखाने के लिए तो स्क्रीन चाहिए होती है, तो कॉन्सोल डॉट लॉग इसमें सिर्फ चलता है। अच्छा कॉन्सोल डॉट लॉग ब्राउज़र वाले पे भी चलता है, ठीक है। तो डेवलपर कॉन्सोल पे ये जो प्रिंट हो रहा होता है, नहीं उधर भी मैं चला के दिखा देता हूँ उधर कैसे चलेगा। यहाँ पे मैं कॉन्सोल डॉट लॉग लिखूँगा ना, ES6 इन ब्राउज़र, ये मैंने बात लिखी है। अब मैं यहाँ पे जाके जब इसको रिफ्रेश करूँगा ना, तो अलर्ट तो लिखा हुआ था वो आ गया इधर, वो वाला कॉन्सोल डॉट लॉग किधर आएगा। यहाँ से जाके राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट का बटन दबाऊँगा, कॉन्सोल पर जाऊँगा तो वो यहाँ पर दिखेगा। रिफ्रेश करूँगा मैं, अरे ये क्या हुआ, अच्छा वो एक्सटर्नल में लिख दिया ना मैंने, तो वो तो मैंने मेरे ख्याल हाँ यहाँ पे आ जाता है ना, सही है। ये अभी ये इनेबल हुआ है, रिफ्रेश किया मैंने, ये आ गया ES6 इन ब्राउज़र। ये डेवलपर्स के लिए है सर, ये ठीक है, सिर्फ डेवलपर को दिखेगा, ये आम लोगों को नहीं दिखेगा। नहीं अभी तो नॉट जस्ट तो शुरू भी नहीं किया मैंने, अभी तो मैं ब्राउज़र वाला भाई इसका मैं अलग अलग फोल्डर बना देता हूँ, अलग अलग मैं फोल्डर बना देता हूँ, ठीक है। ES6 ब्राउज़र, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ ES6, सही है। सर्वर कह लो या इसको नॉट जे एस कह लेते हैं, सही है। ये जो मैंने बनाई है ना नॉट जे एस, इसको मैं इधर मूव कर देता हूँ, ताकि ये दो अलग अलग रहें, सेपरेशन ऑफ कंसर्न, और इसका नाम भी फिर मैं app.mjs कर देता हूँ, ठीक है। ये दो अलग अलग फोल्डर मैंने बना दिए हैं, नॉट जे एस वाला जो है फाइल सेम है, वो बात उसमें सेम लिखी हुई है, लेकिन जाहिर है कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो मैं यहाँ लिख पाऊँगा, मैं ब्राउज़र वाले में वो लिख नहीं पाऊँगा, और कुछ चीज़ें ब्राउज़र वाले में ऐसी होंगी कि मैं वहाँ लिख पाऊँगा यहाँ नहीं लिख पाऊँगा। तो बिल्कुल ये दो अलग अलग जावास्क्रिप्ट हैं, हम दोनों पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, और बारी बारी पढ़ेंगे दोनों। अच्छा अब इसको चलाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इसी फोल्डर में टर्मिनल ओपन करना होगा। इस फोल्डर में टर्मिनल ओपन करने के लिए मैं एक तो Ctrl+Backtick दबाऊँगा, तो ये मेरे पास टर्मिनल ओपन हो गया। अब टर्मिनल ओपन हुआ ना, ये इस वक्त कहाँ पे खड़ा हुआ है, ये इस वक्त उस फोल्डर में खड़ा हुआ है जिस फोल्डर में मैंने ये VS Code जिस फोल्डर में खोला हुआ है, SMIT Chatbot B3, इस फोल्डर में ये इस वक्त ओपन हुआ हुआ है। हाँ अब CD करके मुझे उस फोल्डर में जाना है जहाँ पे मैं हूँ। अच्छा आपके केस में आपको CD करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको मैंने कहा है कि एक रिपॉजिटरी में एक ही प्रोजेक्ट होगा, एक रिपॉजिटरी में एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट आप नहीं बनाएंगे, हर प्रोजेक्ट के लिए एक नई रिपॉजिटरी क्रिएट करेंगे। उससे बेनिफिट क्या होगा कि आपका हर प्रोजेक्ट बिल्कुल अलग अलग होगा, ठीक है, और रिपॉजिटरी की कोई लिमिट तो है नहीं गिटहब पे फिलहाल के लिए, तो आप बनाते जाएं रिपॉजिटरी, ठीक है, हर प्रोजेक्ट को होस्टिंग भी करनी है, और हर प्रोजेक्ट जब आप बनाएंगे तो उसको आप लिंक्डइन पे पोस्ट भी आपने करना है। अच्छा ऐप डॉट यहाँ पे CD करके मैं कहाँ चला गया, 4, और उसके बाद मैं पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, टैब दबाऊँगा तो ये कंप्लीट हो जाता है, और फिर मैं एंटर कर दूँगा, ठीक है। तो अब देखें मैं कौन से फोल्डर में आ गया हूँ, 4ES6 नॉड JS में आ गया हूँ। यहाँ पे आके मैं लिखूँगा नॉड स्पेस और ऐप मेरी फाइल का नाम, यानी कि A लिखा मैंने और टैब दबा दिया, तो ये ऑटो कंप्लीट हो गया, और मैंने एंटर किया तो ये रन हो गया। अच्छा आप जब ये रन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एरर, सही है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपकी मशीन में नॉड JS इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ होगा, ठीक है। तो अब ये Node.js कैसे इंस्टॉल होता है, ये इंशाल्लाह जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो फिर मैं बता दूँगा, बहुत सिंपल सा है। वैसे अगर आप लिखेंगे यहाँ पे Node.js एंटर, और इधर जाएंगे आप इसकी यहाँ पे से ये LTS है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, नेक्स्ट करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, दैट्स इट। तो आपकी ये टर्मिनल पर शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, फिर आप लिखेंगे तो ये चल जाएगी कमांड, ठीक है, लेकिन इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे। अच्छा तो हम किस तरतीब से हम इसको पढ़ेंगे, अभी राइट नाउ जो हम शुरू कर रहे हैं, जो 4 वीक अगले आपके पढ़ाई होगी, वो ब्राउज़र वाले जावास्क्रिप्ट की पढ़ाई होगी, ठीक है। अच्छा ब्राउज़र वाले जावास्क्रिप्ट के अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ी सी क्योंकि हमने UI भी बनानी है चैटबॉट वगैरह के लिए, हमने UI तो बनानी है, तो हम जो वेब के इंटरफेस पे छोटी छोटी हम ऐप्स बनाएंगे, और वो आप पब्लिश करके उसको गिटहब वगैरह पे भी डालेंगे, सब कुछ करेंगे। तो इसमें हमारी ये जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स जो हैं, जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल क्या है जी हमारा, जैसे इफ एल्स है, वेरिएबल्स हैं, हाँ अभी मैं एक मिनट ज़रा वो ले आता हूँ, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल जो हमने इसमें पढ़ना है ना, वो वाले ज़रा मैं उठा के ले आता हूँ यहाँ पे। ये जी हमारा जो
ये जो हमारा ES6 का जो आउटलाइन है ना, हमारा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का, वो ये आउटलाइन है हमारी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हम जो पढ़ेंगे सारी, ये हम किस में पढ़ेंगे, ब्राउज़र वाली जावास्क्रिप्ट में, और उसके बाद फिर हम फौरन मूव कर जाएंगे सर्वर वाली जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये दोनों जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, फिर हम उसके बाद डायलॉग फ्लो पे आ जाएंगे। अच्छा, क्या इसमें पढ़ेंगे हम, वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल जितने टाइप के होते हैं, बूलियन, नंबर, स्ट्रिंग, एरे और ऑब्जेक्ट, ये पांच तरह के वेरिएबल जो मोस्ट कॉमन है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम मैथ के ऑपरेटर पढ़ लेंगे जी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस प्लस और माइनस माइनस, कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स और टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर हम पढ़ेंगे, ट्रिपल इक्वल्स, ये पूरी जावास्क्रिप्ट समझ लें इसमें कवर हो जाएगी। कंपैरिजन ऑपरेटर हम पढ़ लेंगे, ये चार, तीन चार जो हैं। लॉजिकल ऑपरेटर, तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं हमारे पास जो हमने पढ़ने हैं इधर, ठीक है। लूपिंग स्टेटमेंट, फॉर लूप और मैप, ये दो लूपिंग स्टेटमेंट, हालांकि और भी हैं जावास्क्रिप्ट में लेकिन हम सारे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और ES6 के फंक्शंस जो हैं लास्ट में, फंक्शंस करके हमारा ये वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर हम मूव कर जाएंगे सर्वर वाली जावास्क्रिप्ट के ऊपर। सर्वर वाली जावास्क्रिप्ट में हम सबसे पहले अपना हेलो वर्ल्ड का सर्वर बनाएंगे, और हेलो वर्ल्ड का सर्वर बना के हम उसको क्लाउड में होस्ट कर देंगे, और फिर फ्रंट एंड से हम उससे कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे। फिर हम उसके साथ एक डेटाबेस कनेक्ट करेंगे छोटा सा, ठीक है। हाँ, APIs उसमें हम बनाएंगे, सर्वर की APIs कम्युनिकेट करने के लिए, और उसके साथ हम फिर डेटाबेस कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा पूरा पाथवे होगा जिसमें हम चल रहे होंगे, और वंस हमारा ये दोनों जावास्क्रिप्ट पूरी हो जाएगी तो ये दोनों, अच्छा दोनों पे हमारी कोशिश होगी हम चार चार वीक से ज़्यादा नहीं लगाएं। चार चार वीक के अंदर हम इन दोनों जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट करेंगे, ये हमारे टोटल बनेंगे 2 महीने, और बाकी का जो हमारा 4 महीना होगा वो हम चैटबॉट के टॉपिक पर आ जाएंगे।